बड़ी शख्सियत सामने आई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। सर वेलकम, मोस्ट वेलकम। सम्मान करते हैं ओपी ग्रुप सुनील सर, कैप पहना के सम्मानित करें सर का। सर की सर का परिचय हम एफएम के माध्यम से देना चाहेंगे। मैरी को पॉइंट, मैं हूं अंतरी आपके साथ और आप सुन रहे हैं शो एक मुलाकात। और आज मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाने वाली हूँ जिन्होंने ऑलमोस्ट 7 मास्टर्स किए हैं, 7 डिप्लोमा कंप्लीट करे हैं, MSW और MBHR इन्होंने करा हुआ है, PhD करिए आर्कियोलॉजी में, DLIT कंप्लीट किया हुआ है, साथ ही साथ 4 सब्जेक्ट्स में UGC नेट क्वालिफाइड हैं ये, वुमेन एंड चाइल्ड ऑफिसर ये रह चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स IB में इनकी डेजिग्नेशन SEIO2 रह चुकी है, अरियन कॉलेज में ये वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं, PSC के एक्स मेंबर्स के साथ इन्होंने 200 इंटरव्यूज ले चुके हैं ये डिग्री में, साथ ही साथ सबसे बेस्ट बात मुझे लगती है कि ऑलमोस्ट 34 बुक्स ये कंप्लीट कर चुके हैं, लिख चुके हैं, 43 आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं सोशल इशूज पे जो कि इंटरनेशनल जर्नल्स में आए हैं, और अभी करंटली ही इज डायरेक्टर ऑफ शहीद भगत सिंह सिविल सर्विस अकेडमी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर जिमी सिंह कुशवाहा। हाई एवरीवन, माय एफएम पर मैं हूं अंजलि आपके साथ और अभी मेरे साथ में है डॉक्टर जिमी सिंह कुशवाहा। हाउ डू यू फील बीइंग हियर इन माय एफएम? सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं एफएम का, और साथ ही मैं अनुग्रहित हूं कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे एक अवसर प्रदान किया यहाँ के युवाओं से इंटरेक्ट होने का। और मैं शायद सर इंदौर की पहली ऐसी शख्सियत होंगे जो इतना अचीवमेंट लेकर के रखे हैं। हम ओपी ग्रुप में उनका स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा कि सभी एक बार खड़े होकर के स्वागत करें एक बार। जिसको सुनने के लिए यहाँ लाए हैं, जिनको हमें सुनना है, खासतौर से हम लोग तो रोज बोलते रहते हैं, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी जो MPPSC जैसे का सैकड़ों टेस्ट इंटरव्यू ले चुके हैं, ऐसी शख्सियत का हम कुछ सुनने जा रहे हैं जिससे हमारे करियर में जो 99 पर रुकता है 100 पर जाए। ऐसी पर्सनालिटी को एक बार पुनः मैं आग्रह करूंगा कि अपने उद्बोधन से बच्चों का स्वागत करें। सर्वप्रथम तो मैं बहुत ज़्यादा अनुग्रहित महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ ये जो युवा ऊर्जा है उसको संजो कर रखा है आपने। और आज मैं मतलब अपने बारे में नहीं बताना चाह रहा था, पर ठीक है, सर का बड़प्पन है वो, मैं उनके व्यक्तित्व का सम्मान करने के लिए आया हूँ आज। तो मैं चाहूँगा कि सर का जो है सम्मान किया जाए।
जानकारी है कि ओपी सर का कितना ज्यादा प्रभाव है यहाँ पर, और मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि अगर उनका सानिध्य रहा तो आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में कामयाब रहेंगे। जहां तक प्रश्न है कि लोग जीतना और सफल होना तो सिखाते ही हैं, मैं यहाँ असफल होकर कैसे सफल हो यहाँ ज्यादा जोर देता हूँ कि अगर आपके हो सकता है कि जो आपने उद्देश्य रखा हो उसमें आप सफल ना हो पाए या उससे कुछ मार्क्स कम आ जाए, लेकिन निराश नहीं होना है। उस निराशावाद में कैसे आशावाद का संचार करते हुए आप अपने लक्ष्य की जो है प्राप्ति करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो मैं समझता हूँ कि उसके उद्देश्यों में ज्यादा मूल्यांकन करना चाहिए अपेक्षाकृत इसके कि हम सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं, आप क्या एफर्ट्स करते हैं उसके लिए। और जैसा कि यहाँ पर आर्मी में अभी लोग हैं और कुछ लोग सब इंस्पेक्टर्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग कांस्टेबल जीडी के लिए भी कर रहे हैं, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हर जगह एक इंटरव्यू तो होता ही है आपका, और उस साक्षात्कार में आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है बल्कि आपके व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका आने का तरीका, आपका जाने का तरीका, आपके हाव भाव, आपका देखने का तरीका, आप किन मानक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किन प्रभावी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। क्योंकि वहां एक साइकोलॉजिस्ट होता है, हर बोर्ड में एक साइकोलॉजिस्ट होता है। आपके जितने पुलिस सुधार आयोग आए हैं उनकी रिकमेंडेशन रही है कि एक मनोवैज्ञानिक रूप से वहां पर एक व्यक्तित्व रहना चाहिए जो सभी को ऑब्जर्व करे। और इसी आधार पर मैं आपको बता दूं कि हाउ टू काउंटर स्पॉनेज और वीवीआईपी सिक्योरिटीज, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग करना होता है, उसमें भी एसआई की ड्यूटीज लगाते हैं। आप आजकल देख रहे हैं नक्सलाइट लोग, आतंकवाद, टेररिज्म, कम्युनिज्म, आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा सांप्रदायिकता और सारी चीजें हो रही हैं। हाउ टू टेकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी चीजें, सर्वेलेंस करना, आपको इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, और ऑन डेपोटेशन आप लोग डीएसपी में जाते हैं, आप लोग सीआईडी में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं, सीबीआई में ऑन डेपोटेशन जा सकते हैं, आप आईबी रॉ में जा सकते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स देख सकते हैं, जो भारत के बाहर जो जासूसी करते हैं उसमें भी जा सकते हैं आप। इसके बाद तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होती है, लेकिन आज के दौर में आप किस प्रकार से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको मैं बता दूं कि आपको मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील भी होना है, आपको समाज के प्रति भी संवेदनशील होना है, है ना। आप आज केवल डंडा चलाना या फिर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना नहीं है उनका काम, बल्कि आपने देखा होगा कि पुलिस का रवैया कैसा हो गया, सहयोगात्मक हो गया। आपने देखा यातायात वगैरह में वो रोज देते हुए देखा, हमने कई सारे कैंपेनिंग किए हैं, मैंने डीएसपी चौधरी साहब के साथ भी किए और भी महेश सिंह भदौरिया के साथ किए। आपने देखा रोज देते हैं हम लोग, जैसे ट्रैफिक का उल्लंघन कोई करता है क्यों देते हैं उसको, हम चाहे तो उसको दंड भी दे सकते हैं, लेकिन हम क्यों करते हैं, क्योंकि उससे उसके हृदय परिवर्तन, यानी जनता के बीच हम जाकर उनके साथ सहयोग करके और उनका हृदय परिवर्तन। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि साक्षात्कार में हमारा क्या उद्देश्य है आने के पीछे, आप इस पोस्ट के लिए क्यों एलिजिबल हैं। दूसरी ओर हमें जो रिटर्न की तैयारी करते हैं उसमें भी आपको ये ध्यान रखना होगा, अभी आप लोग फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे, साथ में रिटर्न में भी हम लोगों को परीक्षा उपयोगी पढ़ना है, ज्ञान उपयोगी नहीं, आप समझ रहे हैं। और दूसरी ओर कैसे मूल्यांकन करना है उसका, वीकली इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट देना है, कहां आप लैग कर रहे हैं और किस तरह से चित्रात्मक मेमोरी हमारी ज्यादा कुशाग्र होती है, तो उस चीज को चित्रों के माध्यम से कैसे समझते हैं, कैसे राजा महाराजाओं के नाम होते हैं, कैसे सन होते हैं, डेट्स होती हैं, कई सारी योजनाएं मध्य प्रदेश शासन की हमको उनको याद करना है, तो कैसे करना है, हम जहां पर स्टडी की टेबल अपनी रखते हैं वहां पर अपने को लिख के और चिपका लेना है। उस चीज को बार बार देखेंगे तो अचेतन मस्तिष्क में आपकी वो बातें समाविष्ट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमें जब चार ऑप्शन आते हैं तो याद आती है। इसलिए हमेशा ध्यान दें आप कि रिटर्न की तैयारी किस तरह से करनी है और इंटरव्यू भी कैसे करनी है, ये सब आपकी स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है। आपकी स्ट्रेटजी है, आपकी रणनीति सशक्त है, तो देखा आपने कि सिकंदर भी जीत गया था छोटी सी सेना से, पोरस रणनीति श्रेष्ठ थी तो बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया छोटी सी सेना से। रणनीति श्रेष्ठ थी तो शक, हूर, कुषाण जो भी आए बाहर से उन्होंने यहाँ के राजाओं को हरा दिया।
एस्टाडो दे इंडिया पोर्तुगीज ने दूरबीन और बारूद और ये सारी चीजें लाए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को हराया गोवा में 1961 तक राज किया। आपने देखा ब्रिटिश कंपनी आई बाकी सबको हराया बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ। आपकी रणनीति श्रेष्ठ है तो ये मानकर चलना इस जिंदगी के आप युद्ध में आप जीत जाएंगे। हेजिटेशन शुड बी रिमूव। आप जब यहाँ पर फिजिकल करने भी आते हैं तो सर का तो बहुत ज्यादा ज्ञान है लेकिन क्या है कि सर का जो नॉलेज और अनुभव है उसका लाभ कैसे उठाएं आप उनसे प्रश्न भी पूछें, आप बार बार चीजें पूछें, इसको किस तरह से करना चाहिए टेक्निक, लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, या फिर आपकी दौड़ हो, रनिंग हो, या गोला फेंक हो, या कोई भी इवेंट हो, इसी तरह से आपको रिटर्न में भी सब चीजें जानना चाहिए। तो वो कहा गया है ना कि आप ज्ञान का सही जो मूल्यांकन होता है वो आपके प्रश्न पूछने से होता है। जो जितना जानता है वो ज्ञानी नहीं है, जो प्रश्न पूछता है वो ज्ञानी है, क्योंकि उसमें सदैव वो जिजीविषा होती है, जानने की इच्छा होती है। तद विद्धि परिपातेण परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानं ज्ञानिनः तद्दर्शनः। कहा है ना कि ज्ञान का जो सही परीक्षण कब है, जब आप प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासाएं रखते हैं। तो आपको जिज्ञासाएं रखनी है हर चीज में, ट्रेनिंग लेते वक्त और सारी चीजें करते हुए, ठीक है। तो हमारे यहाँ अगर आप आते हैं, जैसे शहीद भगत सिंह सिविल सर्विसेज अकेडमी है, MBBSC की, UPSC की भी तैयारी होती है, कैसे अलग कमेटी, होता बोर्ड और ARC प्रशासनिक सुधार आयोग की जो सिफारिशें हुई है, लेटेस्ट ट्रेंड जो चेंज हुआ है, एथिक्स जो डाल दिया गया है, कैसे सोशियोलॉजी डाल दिया गया है और चीजें CSET क्यों डाला है, देयर आर ह्यूज डिफरेंस। अब देखो हम देखते हैं रुचि और अभिरुचि में क्या अंतर है। आजकल जो SI का एग्जाम हो रहा है उसमें आपने एक और चीज देखी होगी, मैथ्स में एडवांस मैथ्स ज्यादा आ रहा है, हो रहा है। आपने देखा होगा क्वेश्चन का पैटर्न क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज वो आपकी रुचि चेक नहीं करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, अभिरुचि चेक करना चाहते हैं। मुझे कौन बताएगा कि रुचि और अभिरुचि में क्या अंतर है, आप जानते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है, कौन बताएगा? रुचि और अभिरुचि, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट? जैसे हमारी रुचि है क्रिकेट खेलने में, है ना, हम बहुत सारे रिकॉर्ड भी रखते हैं, चेस खेलने में है और किसी में है, लेकिन होता यह है कि मूवी भी देखते हैं उसमें इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी है कि आपको एक्टिंग में भी इंटरेस्ट हो, करने में नहीं होता है ना, टूवर्ड्स उसकी ओर उन्मुख नहीं हुए। अभी रुचि का मतलब है, अभी का मतलब होता है जो उपसर्ग है कि उस ओर उन्मुख होती है, जहां रुचि है वहां पर उन्मुख होना। तो यानी कि अगर आप SI बनना चाहते हैं तो वो आपके हाव भाव, आपका आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपका बात करने का तरीका है, जाने आने का तरीका है, सारी चीजों में वो चीज झलकनी चाहिए, वो एप्टीट्यूड दिखना चाहिए, इंटरव्यू में दिखना चाहिए, मेडिकल करने आए तब दिखना चाहिए, वो अलर्टनेस होनी चाहिए आपका कि लगे कि हाँ ये बंदा प्रशासनिक अधिकारी के लिए बना हुआ, ये बंदा सब इंस्पेक्टर के लिए बना हुआ, ही मेड फॉर आर्मी, वो आर्मी के लिए बना हुआ है, ये चीज आपके व्यक्तित्व से दिखनी चाहिए। तो इसका अर्थ ये है कि आपको सदैव अभिरुचि की ओर उन्मुख होना है कि अभिरुचि होगी तो आप बहुत जल्दी इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। और ध्यान रखिए कि इसमें निराशा होने की जरूरत नहीं है कि अगर एक अटेम्प्ट में नहीं होता, दो अटेम्प्ट में नहीं होता, है ना, लेकिन उसके बाद भी सतत रूप से आप कितना लगे रहते हैं, तो सफलता उसी को मिलती है जो डिटरमिंट होता है, दृढ़ संकल्प होता है। तो कहीं ना कहीं आपका पढ़ा हुआ, आपका ये फिजिकल जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं आप समाज को अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जरूर देंगे, अपना योगदान जरूर देंगे, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। और मैं चाहूंगा कि सर OP सर भी कुछ बोले दो शब्द, क्योंकि मैं उनको सुनने के लिए लालायित हूं। हम तो एक अदना सा सिपाही हूँ, आप तो एक PSC के बाल विकास अधिकारी पद को रिजाइन दे करके शहीद भगत सिंह कोचिंग चला रहे हैं, जो PSC जैसे पद को छोड़ करके और एक कोचिंग चला रहे हैं देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, ऐसे लोगों को OP ग्रुप का सलूट है। जो इनके कई इंटरव्यूज आप देखेंगे, जिनका इनका कहना है कि लोग दिल्ली जाते हैं PSC की तैयारी करने के लिए, UPSC की तैयारी करने के लिए, हम इंदौर में क्यों नहीं कर सकते, वो देना चाहते हैं, इंदौर में ही आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि सर ने अभी बताया कि
आपकी बॉडी पर्सनालिटी होना चाहिए, जैसे आप जाते हैं पीएससी के लिए या फिर सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू के लिए, एसएससी के लिए, तो आपके सबसे पहले देखा जाता है कि आप सेविंग कर रहे हुए हैं कि नहीं, आपकी कटिंग उस तरह की है कि नहीं कि आप डिफेंस में जाने लायक हैं। आपकी जो फाइल बनी हुई है जो आप वहां पेश करने वाले हैं वो किस तरह की फाइल है, उसका सीक्वेंस कैसा है, आपका ड्रेसअप कैसा है, आप बेल्ट किस कलर का पहने हुए हैं, आपके शूज स्पोर्ट्स शूज हैं कि लेदर शूज हैं, वो भी किस कलर के हैं, पॉलिश है कि नहीं, आप इंटर करते समय क्या आज्ञा लेकर के जा रहे हैं, आज्ञा लेने के बाद बैठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, किस तरह से जवाब दे रहे हैं कि आप हाथों से इशारा करके दे रहे हैं कि आप आंखों में आंखें डाल के देख रहे, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। उसके बाद आप जब वहां से बाहर निकलते हैं तो क्या बोलते हुए आप निकलते हैं, ये सारी चीजों का मूल्यांकन होता है। और 10 नंबर के जो होते हैं फिर और भी एसआई के तो शायद 10 ही नंबर होता है, बाकी और भी जो भी चीजें एसएससी के है पीएससी के है ये जो बहुत मायने रखती है, वहीं से आपका मूल्यांकन होता है कि आप ग्रेड पद पे जाने वाले हैं कि लोअर पद पे जाने वाले हैं। बाकी पीएससी की एग्जाम तो सभी निकालते हैं उस लेवल पर इंटरव्यू जाने के बाद, मगर जो आपका इंटरव्यू होता है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बात आती है यहाँ पर देखा जाता है कि आप कितने अनुशासन ढंग से जवाब देते हैं। सर आप हमारे इस ग्रुप में आए, मैं आभारी, इतने दिनों से कंधा मिला करके चलने वाले सुनील सर का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। गोलू भाई जो हमारे एक पैनी नजर रखते हैं कि कौन ऐसा बंदा गरीब है जो जिन्हें कुछ नहीं, जिनके पास कुछ नहीं है, आर्थिक किसी प्रकार की कोई संबंधी समस्या है, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। गोलू भैया अभी तक सुनील सर एक हमारे सहयोगी के रूप में थे, आज मैं